हमारे बीच में पूर्व सांसद अशोक तंवर जी आज अपने घर में वापस आ गए हैं, आज उनकी घर वापसी हो रही है। राहुल गांधी जी उनका कांग्रेस परिवार के अंदर स्वागत कर रहे हैं। रहे ये रोशनी हमारी हजार आंधियों पर है, ये एक तूफान भारी राहुल गांधी हजार आंधियों पे भारी। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम सब। प्रचार प्रसार बंद हो गया है, लेकिन कल देर शाम जो हुआ वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी का पटका पहनाया अशोक तंवर को। वो अचानक राहुल गांधी की स्टेज पर पहुंचते हैं, राहुल गांधी जी से हाथ मिलवाते हैं और उसके बाद उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल करवा दिया जाता है। लेकिन इसी बीच जब प्रचार प्रसार बंद होता है, उससे कुछ देर पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनसे जब भाजपा नेता अशोक तंवर के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि अशोक तंवर भाजपा से कांग्रेस में फिर से शामिल हो गए हैं, मैंने ही उनको पटका पहनाकर शामिल किया है। बड़ी खरीद नहीं हो रही है। हमारे समय 15 तारीख को खर्चे थे, 15 एकड़ का 23 एकड़ 23 एकड़ मैदान मंडी में पड़ा है, किसान का खराब हो रहा है। ये सरकार हर वर्ग रोड पे विफल हो रहा है। का लड़का बाहर घूम रहा है सर, अस्पताल से छुट्टी लेकर कंधा मिला के प्रचार किया। आपको अब क्या लगता है कि कितनी सीटें आपके आने जा रही है और क्या आंकड़ा है? भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी जा रही है। मेरा 1577 सेनानी अपने परिवार का गर्व करता हूँ, ऐसे परिवार में पैदा हुआ मैं। मेरे पिताजी 77 सेनानी इस विधान में जो संविधान बना है डॉक्टर अम्बेडकर के साथ मेरे स्वर्गीय पिताजी की दस्तखत है, उस संविधान को नहीं हम आपने बात की, लेकिन नायब सैनी कहते हैं कि हुड्डा रात में फसल खराब देखे 1-1.5 करोड़ रुपए की जगह। ये सबसे बड़ी झूठ बीजेपी का इनेलो बना था, जब मेरे घर आया मेरे सामने आया मैंने मिनिमम रेट फिक्स कर दिया था, अभी मैं भी आती 250 या 500 रुपए सिरसा में सर आपने 10 साल का अपना कार्यकाल गिनाया कि किस तरह की कितनी उपलब्धियां बताई, लेकिन वहीं पर आपने बीजेपी के लिए कहा कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, मतलब कि आपके कार्यकाल में हुआ, क्योंकि चाहे वो मेडिकल एजुकेशन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो आप मानते हैं कि बीजेपी का शासन जीरो था? जीरो। देखो करनाल से देखो, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज हम ना गए, इन्होंने कहा यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अब तक बिल्डिंग नहीं बनी 10 साल में हमने तक 3 यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी। आज हरियाणा में मैक्सिमम नंबर गोली से मार गए। हुड्डा साहब, तमाम सर्वे रिपोर्ट कह रही है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो आप इसे क्या मानते हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है कि पार्टी के चुनाव से मानते हैं? पार्टी तो है, लेकिन चुनाव जनता लड़ रही है कि सरकार हर वर्ग की सरकार। धान मंडियों में कभी खरीद नहीं हो रही है, बड़ी खरीद नहीं हो रही है। हमारे समय 15 तारीख को खर्चे थे,
रहा है, इतने का 23 एकड़ मैदान मंडी में पड़ा है, किसान का खराब हो रहा है। ये सरकार हर वर्ग मोर्चे विफल हो रहा है। अस्पताल से छुट्टी लेकर बुड्ढा साहब सात लाखों में खेले गए, बुड्ढा साहब सात लाखों में खेले गए, मेडिकल सात लाखों में 6,000 रुपए पेंशन की बात की है। कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार किया, आपको अब क्या लगता है कि कितनी सीटें आपके आने जा रही है और क्या आपका आंकड़ा है? उसमें मुख्य तौर पर दलित वर्ग था जो पंचकुला में मरा, 40 गोली से मारे गए, उनमें 30 के करीब दलित। आमतौर पर परंपरा रही है कि जब चुनाव आते हैं जो सत्ता दल होता है वो अपनी उपलब्धियां बताते हैं। इस सरकार ने कोई उपलब्धि नहीं बताई, पिछली सरकार 10 साल पुरानी सरकार की बातें करते रहे, इनने 10 साल क्या किया और ये मुद्दाहीन जो है ना प्रचार करते रहे, कुछ प्रचार बोलते रहे, मुद्दे कोई नहीं देने पर मुद्दे ने कहा क्या मुद्दा किया, मुद्दा इन्होंने बताया तो ये। अब भाई पिछली सरकार में जमीनों के बहुत लोग हुए, किसानों की सस्ती जमीन लगी, इनको ये पता नहीं पिछली सरकार में हरियाणा में लैंड एक्विजिशन पॉलिसी पूरे देश में लागू की जो हमने लाई और उसी समय जो है फ्लोट रेट पूरे प्रदेश का पेश किया हमने। उससे पहले तो लूट रहे थे बीजेपी और जो इनेलो की सरकार थी, किसानों को लूट रहे थे। मैं पहला प्रदेश हरियाणा है जो लैंड एक्विजिशन पूरी पॉलिसी लेके आया और पूरे देश में लागू की और इन्होंने डिल्यूट किया उसको। और जो एनुइटी का प्रोविजन किया था हमें कि भाई कितने साल तक एनुइटी मिलेगी वो भी देने लोगों जो एक एएमपी बना है रिकॉर्ड में है, इन्होंने ऑफर दिया था कि रिटायर्ड प्रोफेसर 2 लाख रुपए देंगे कुल कंपनसेशन, उतनी जमीन का 140 करोड़ बनता था। मैंने मना कर दिया था, हम किसानों को लूटने नहीं देंगे। फ्लोर रेट फिर किया उतनी ही जमीन का 640 करोड़ रुपए कंपनसेशन दिया इन्हें।